नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास थ्री का चैप्टर नंबर सेवन करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एवरेज। क्या नाम है? एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी इन्होंने हमें ऑब्जर्वेशन दिए थे उन सबका क्या करेंगे हम? टोटल। और जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन है उससे क्या करेंगे? डिवाइड। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर। किसके एवरेज निकालने हैं? 20 + 30 + 40 + 50 + 60। तो देखिए इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है जो इन्होंने हमें डाटा दिया उसका सम करना है। क्या क्या है? 20 + 30 + 40 + 50 + 60। नीचे क्या है? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 20 + 30 = 50। 50 और 50 = 100। 100 और 60 = 160। उसमें 40 ऐड करेंगे कितना हो गया? 200 डिवाइड बाय 5। कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करेंगे। 5 + 5 = 20। 0 रिमेंट बच गया सिर्फ जो नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0। आंसर कितना आया बच्चों? 40। ऐसे इसके सी पार्ट है। सी पार्ट एवरेज इज इक्वल टू 3.5 + 2.6 + 3.9 + 4.8 + 5.3 डिवाइड बाय कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 201। 201। डिवाइड बाय 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4.02। इन सबको ऐड करेंगे तो जोड़ कितना आया? 201 डिवाइड बाय 5। इसको इसके से कैंसिल करेंगे। 5 और 20। फिर कितना बचा? 0 नहीं चल रहा, फिर 0 लेंगे 2। 4.02 पे सेकंड क्वेश्चन द एज ऑफ द होल चिल्ड्रन इन ए स्ट्रीट आर। चार बच्चों की एज निकालनी है एवरेज। क्या क्या देखे उन्होंने? 16, 14, 17 और 13। तो निकालिए इसका सॉल्यूशन। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज कितनी है आपकी सबकी? 16। एज कितनी है? 16 + 14 + 17 + 13 डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चों? डिवाइड बाय 1 2 3 4। 16 + 14 कितना हो गया? 30। 17 + 13 भी कितना हो गया बच्चों? 30। 30 और 30 कितना होता है? 60। 60 डिवाइड बाय 4। 4 + 4 = 4। 2 रिमेंट बचे ऊपर से क्या करेंगे? 0। 20। 4 + 5 = 20। एवरेज एज कितनी आई? 15। एवरेज एज का मतलब है कि लगभग सभी 15 की एज के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर देखिए।
वन करें, 8, 9, 15, 16, 16 और 8, 24, 2 करें, 5, 6 and 8, 12, 12 और 4, 16, 16 और 3 कितने हो गए बच्चों, 19, divide by 5, इसको डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 5 3 15, ऊपर से